पढ़ेंगे और एक बार फिर बात करेंगे शहर में होने वाली बारिश और उसके असरात की। तो मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो चुका है। मुतादित नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों टाउनशिप जौहर टाउन, इकबाल टाउन, सब्जाजार, एबट रोड, गढ़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, मैकलोड रोड, डेविस रोड और गुलबर्ग समेत मुतादित इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मुतादित इलाके जेरे आब आ चुके हैं। इस हवाले से बात करेंगे फाहद भट्टी से। जी फाहद भट्टी, बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं और निकास आपकी क्या सूरत हाल है वहां पर? जी, मैं इस वक्त टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूं और यहां पर जो बारिश का पानी जमा है उसके निकासी आपके लिए कोई बेहतर हिकमत अमली नहीं बनाई गई इंतज़ामिया की जानिब से। हालांकि पहले से इस चीज़ का इलम था, इस चीज़ के बारे में बता दिया गया था कि मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू होगा शहर भर में, जिसकी वजह से जो शहर के बेशतर इलाके हैं वो जेरे आब आ चुके हैं। पानी जमा है सड़कों पर, गलियों में, जिसकी वजह से कई जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनकी मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, कई गाड़ियां बंद हो चुकी हैं। पानी ज़्यादा जमा होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर मेरा कैमरामैन सज्जाद अहमद आपको दिखा सके तो जिस तरह मैं यहाँ पे पानी के अंदर मौजूद हूँ, ये पीछे टाउनशिप का इलाका मेन रोड है, ये बिल्कुल जहाँ तक नज़र जाती है इसी तरह यहाँ पर पानी मौजूद है, पानी खड़ा हुआ है। यहाँ पर जो शहरी हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बारिश का पानी जमा होने की वजह से। कोई ज़िले इंतज़ामिया का नुमाइंदा हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कि जो निकासी आपके लिए यहाँ पर नुमाइंदे तैनात किए जाते हैं, वासा के लोग तैनात किए जाते हैं जो यहाँ से पानी को निकाल सकें या बेहतर तरीके से यहाँ पर जो है वो कार्रवाई करते हुए, या ये जो वाटर पाउंडिंग की वजह से जिन शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, पानी निकालने के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली बनाई जाए। इंतज़ामिया की जानिब से कोई नुमाइंदे तैनात नहीं किए गए। हालांकि ये मेन चौक है टाउनशिप का इलाका हमदर्द चौक, जहां पर इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर पानी खड़ा होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग धक्के लगाकर अपनी गाड़ियों को, अपनी मोटरसाइकिलों को यहाँ से ले जा रहे हैं। जी फाह भट्टी, इंतज़ामिया की जानिब से तो कहा जा रहा था कि हमारी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। ईद कुर्बान की मुनासबत से भी ख़ास तौर पर इंतजाम किए गए थे निकासी आपके हवाले से, मगर कुछ होता हुआ नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्या आपको कहीं भी वासा की मशीनरी, वासा के अहलकार नज़र आए हैं? जी देखें, ये सिर्फ दावे ही होते हैं कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं या जो टीमें हैं वो फील्ड के अंदर भेज दी गई हैं, मशीनरी खड़ी कर दी गई है जगह जगहों पर। ये सिर्फ दावे ही होते हैं, इन दावों को अमली तौर पर जो है वो अमल में लाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि शहर भर में कई ऐसी जगह हैं जो इस वक्त बारिश की वजह से ज़ेरे आब आ चुकी हैं। और इंतज़ामिया की जानिब से या वासा की जानिब से ये कहा तो गया था कि इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, मगर वो इंतज़ाम कहाँ मुकम्मल हुए, यूँ लगता है कि सिर्फ पेपर्स तक ही वो इंतज़ाम मुकम्मल हुए हैं। जगह जगह जहाँ पर पानी खड़ा है बारिश का, और बारिश अब भी हो रही है, जगह जगह जहाँ पर पानी खड़ा है बारिश का, उसको निकालने के लिए, निकासी आब के लिए कोई बेहतर इंतज़ाम नहीं किया गया। ये हम लोग खुद देख रहे हैं और अपने नाजरीन को भी ये दिखा रहे हैं कि जगह जगह पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है बारिश का पानी जमा होने की वजह से। और यही महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि दो रोज़ तक बारिशों का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, मतलब आज का दिन और कल का दिन। ईद उल अज़हा है कल, और कल भी इसी तरह अगर बारिश रही और इंतज़ामिया की जानिब से कोई बेहतर हिकमत अमली ना अपनाई गई बारिश के पानी को निकालने के लिए, तो यूँ लगता है कि जैसे शहरियों की ईद भी इसी तरह पानी में ही गुजरेगी। जी ठीक है, फाहद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुतादित नशेबी इलाके हैं जो कि इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं और बागों का शहर इस वक्त नदी नालों और तालाब के मनाजिर पेश करता हुआ नज़र आ रहा है। मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो चुका है। मुतादित नशेबी इलाके हैं जहाँ पर पानी खड़ा हो चुका है और इंतज़ामिया है, वासा की मशीनरी है जो कि तमाम तर दावों और वादों के बावजूद कहीं पर काम करती हुई नज़र नहीं आ रही, जबकि पेश की इंतज़ाम करने के हवाले से कहा जा रहा था कि इंतज़ाम मुकम्मल हैं। ईद कुर्बान के पेश नज़र भी तमाम तरह तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, मगर इंतजामात सबके कोयटा करा